हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज फन विद शालिनी। आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन, जो कि मैंने लिया है क्लास 8 से। इसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ 3D शेप्स या फिर सॉलिड शेप। तो आज के वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि 3D शेप्स का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया और लेटरल शेप्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ 3D शेप्स, और डायगोनल्स की लेंथ 3D शेप्स में हम कैसे निकालते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी आज के वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा मैं आपको एक और न्यूज देना चाहती हूँ कि अब मैथ इज वन विद शालिनी इज नाउ एक्सटेंडेड टिल क्लास 9th एंड 10th। तो नेक्स्ट टॉपिक्स में आप मेरे नेक्स्ट वीडियोज में देख पाएंगे क्लास 9th और 10th से रिलेटेड मैथ्स के सारे टॉपिक्स, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरा चैनल। तो जल्दी कीजिए, Now let's start the topic. तो लास्ट क्लासेस में हम सभी ने पढ़ा है एरिया और पेरीमीटर के बारे में सारे 2D शेप्स के। क्लास 5 से आप पढ़ते आ रहे हैं, 5, 6, 7 इन सभी क्लासेस में आपने पढ़ा है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के पेरीमीटर और एरियाज के बारे में। तो आज हम कर लेते हैं उसका एक छोटा सा रिकैप, ओके? इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास 8 के वॉल्यूम, क्योंकि आप कहीं भी वॉल्यूम और सरफेस एरिया को पढ़ने जाएंगे तो आपको ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको डेफिनेटली वहां पर काम आएंगी, तो इसीलिए इनको रिकॉल करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर शेप्स, पेरीमीटर और एरिया मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सबसे पहला शेप है स्क्वायर, और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 × a, यानी कि 4 × साइड। सिमिलरली स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर। पेरीमीटर और एरिया तो आपको पता ही है कि किसी भी चीज की जो बाउंड्री होती है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं, और जो उसके अंदर का एरिया होता है, जितना एरिया वो ऑब्जेक्ट कवर करता है उसे हम एरिया कहते हैं। यानी कि ये हुआ इस स्क्वायर का एरिया, और ये जो बाउंड्री है ये है इसकी पेरीमीटर, ओके? ये जो कंसेप्ट है ये हर एक शेप के लिए सेम होता है। सिमिलरली रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 × लेंथ × ब्रेथ। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो है L × b, यानी कि लेंथ × विड्थ या ब्रेथ। नेक्स्ट है सर्कल, सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। r यहाँ पर रेडियस है सर्कल की, पाई की वैल्यू हम सभी को पता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर हम उसे लिख सकते हैं 3.14, ओके? और एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, 22/7 × r × r, जो भी रेडियस है वो 2 times मल्टीप्लाई होगी। ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है side 1 + side 2 + side 3, क्योंकि ट्राइंगल में भी पेरीमीटर होता है बाहर की बाउंड्रीज का टोटल सम। तो S1, S2 एंड S3 अगर साइड्स हैं तो इन तीनों का जो सम है वो होगा एरिया ट्रायंगल का पेरिमीटर। सिमिलरली ट्रायंगल का एरिया होता है ½ × b × h। b यानी कि बेस, अगर आप इसको बेस बना रहे हैं तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आएगा उसकी लेंथ, इसे हम कहेंगे h, ओके? ये है बेस। सो ½ × base × height, आप किसी को भी बेस बना सकते हैं, इस साइड को भी या फिर इस साइड को भी, तो फिर परपेंडिकुलर डिफरेंट हो जाएंगे, ओके? तो ये सब हमने पढ़ा था हमारी लास्ट क्लासेस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम टर्म्स को समझ लेते हैं कि वॉल्यूम किसे कहते हैं। तो किसी भी शेप के, सॉलिड शेप, कोई भी सॉलिड शेप के अंदर आप जितना भी वो ऑक्यूपाई कर सकता है, लाइक एक ग्लास है, ओके? अ ग्लास है तो उसके अंदर कितना वाटर आ सकता है वो उस ग्लास का वॉल्यूम है, ओके? एक अगर आपके पास एक बॉक्स है, एक आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, क्यूब शेप में कोई बॉक्स है, तो उस बॉक्स के अंदर आप कितना सामान रख सकते हैं वो उस बॉक्स की कैपेसिटी है, या फिर उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ओके? सिंपल लैंग्वेज में छोटी सी डेफिनेशन है, और वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट, यानी कि अगर आप उसको मीटर में, सेंटीमीटर में या डेसीमीटर में कैसे भी मेजर कर रहे हैं तो हम उसे पढ़ेंगे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब,
ओके या फिर अगर लिक्विड क्वांटिटी है लाइक मिल्क है वाटर है तो हम उसे लीटर में, वॉल्यूम को फिर हम लीटर में मेजर करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा टर्म है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है किसी भी 3D शेप्स का। यहाँ पर हम जिन टर्म्स की बात कर रहे हैं ये सिर्फ 3D शेप में एप्लीकेबल है, बिकॉज 2D शेप में वॉल्यूम नहीं होता है, 2D शेप में सरफेस एरिया भी नहीं होता है, तो हम यहाँ पर 3D शेप या सॉलिड शेप्स की बात कर रहे हैं जो कुछ पर्टिकुलर जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, लाइक बॉक्स है या फिर सिलेंडर है या फिर कोई क्यूब या क्यूबॉइड, हम उनके बारे में यहाँ पर 3D शेप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया मैंने आपको अभी अभी बताया कि एरिया होता है जो पार्ट वो ऑब्जेक्ट कवर करता है, जितना पार्ट वो कवर करता है उसे हम एरिया कहते हैं। अब अगर इस तरह का कोई 3D ऑब्जेक्ट है, समझ लिए कोई क्यूब है, ओके कोई यहां पर क्यूब है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इसका सरफेस एरिया होगा ये, क्योंकि ये बेस है, नीचे ये बेस है। अब आप अगर इसको टर्न करके रख देंगे तब ये वाला बेस बन जाएगा, ओके। अब अगर आपको इस तरफ टर्न करके रख देंगे नीचे तो ये बेस बन जाएगा, ओके। तो ये सारे जो एरियाज का टोटल है, पूरी उसकी सरफेस, जो उसकी अपर आउटर सरफेस है उनका पूरा सम, टोटल एरिया इज कॉल्ड द सरफेस एरिया। द अपर मोस्ट कवर और लेयर ऑफ एनी सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और बॉडी। और इसका यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया को हम मेजर करते हैं स्क्वायर यूनिट में, फिर चाहे वो मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, कुछ भी हो, तो उसे हम स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है लेटरल सरफेस, लेटरल फेसेस। लेटरल फेसेस क्या होते हैं? कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज कीजिए एक क्यूबॉइड है, ओके एक क्यूबॉइड है हमारे पास, तो इसमें लेटरल सरफेस क्या होगा? बेस के साथ, बेस मतलब जो चीज पर वो ऑब्जेक्ट पूरी रेस्ट कर रही है, जैसे यहां पर ये बेस है, ओके बेस से कनेक्टेड जितने भी फेसेस हैं वो लेटरल फेसेस हैं। तो बेस से कनेक्ट है ये वाला फेस, ये बैक साइड, लेफ्ट साइड और ये फ्रंट, जो अपर फेस है ये बैक, जो बेस है उससे कनेक्ट नहीं है, ओके तो ये फेस लेटरल फेस नहीं है, बाकी के जो चार फेस बेस से कनेक्टेड हैं वो है हमारे लेटरल फेस। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का आप नीचे और ऊपर का पार्ट हटा दीजिए और उसके आसपास की जो भी बाउंड्री का है, उसके आसपास के जितने भी फेसेस हैं वो हैं उसके लेटरल फेसेस, ओके। तो द फोर फेसेस विच मेक द बेस आर कॉल्ड द लेटरल फेसेस। वेरी सिंपल टर्म्स, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिर्फ एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो अब इन पर बेस्ड है हमारा फॉर्मूलाज फॉर क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो चलिए वो शुरू करते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड होता है एक सॉलिड जो 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस से मिलकर बनता है, ओके। रेक्टेंगुलर क्यों? क्योंकि उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों ही डिफरेंट होती हैं क्यूबॉइड के अंदर। तो क्यूबॉइड किस तरह का होता है? क्यूबॉइड होता है कुछ इस तरह का। इस तरह का आप जब भी शेप देख रहे हैं तो इससे आपको क्या क्या याद आता है? जैसे आपके पास मैच बॉक्स होती है आपके घर में, या फिर ब्रिक होती है, आपकी बुक होती है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं और 3D होती हैं, इसीलिए वो क्यूबॉइड होती हैं, ओके। रेक्टेंगल है प्लस वो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो क्यूबॉइड्स हैं। अब क्यूबॉइड्स में क्या होते हैं? आप सभी को पता है कि क्यूबॉइड्स में होते हैं 6 फेसेस, ओके ये फेसेस होते हैं, तो ये होते हैं 6 फेसेस प्लस 12 एजेस, एजेस यानी कि इसकी साइड्स, ये सारी साइड्स मिलाकर होती है 12 साइड्स एंड 8 वर्टिसेस, 8 कॉर्नर्स या फिर 8 वर्टिसेस, तो ये होता है हमारा क्यूबॉइड, राइट। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? सपोज कीजिए कि ये है नीचे एल, ओके ये है इसकी विड्थ बी, और हाइट क्या है? ये है इसकी हाइट, इसे हम कह लेते हैं एच, ओके तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा कि जो भी जितना भी हम इसकी कैपेसिटी है, जितना भी सामान हम इसके अंदर रख सकते हैं, राइट। तो यहां पर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? एल इंटू बी इंटू एच, ओके लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, टोटल कितनी कैपेसिटी है उसका टोटल
वॉल्यूम कितना है वो निकालने के लिए हम उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है और उसकी लेंथ कितनी है, उन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस बॉक्स की टोटल कैपेसिटी पता चल जाएगी कि वो कितना सामान ऑक्यूपाई कर सकता है अपने अंदर। ओके, अब उसका आउटर सरफेस, उसका सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे? एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का? एल इंटू बी। ओके, एरिया हम निकालते हैं एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहां पर अगर आप एक एक फेस को देखेंगे तो एल इंटू बी, देन इस फेस के लिए बी इंटू एच, देन ऊपर वाले फेस के लिए यहां पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा एच इंटू एल। फ्रंट वाले के लिए आप देखें एच, ये एच है और ये एल, तो एच इंटू एल। तो इस तरह से टोटल 6 फेसेस हैं। तो दो फेसेस में एल इंटू बी, दो फेसेस में बी इंटू एच और दो फेसेस में एल इंटू एच आएगा, इसीलिए आगे ट्वाइस का मल्टीप्लाई किया हुआ है। प्लस हर एक फेस का, क्योंकि हर एक फेस रेक्टेंगल है तो उसमें एरिया हमने एल इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल इंटू एच, इस तरह से लेकर टोटल सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं, राइट? या फिर अगर आपको सिंपल सिंपल डिफरेंट अलग अलग निकालना है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट दिस इज बेटर टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला, तो आपको इजी होता है, जल्दी सॉल्व होता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। ओके, नेक्स्ट है लेटरल फेस, डायगोनल, सॉरी, फर्स्ट इज डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल क्या होता है? क्यूबॉइड का डायगोनल होता है उसके एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस तक कोई लाइन ड्रॉ करना बॉक्स के बीच में। बॉक्स के बीच में अगर आप किसी स्टिक को इस तरह से फंसा देते हैं एक कॉर्नर से, फ्रॉम द लोअर टॉप कॉर्नर टू द अपर टॉप कॉर्नर, तो आप वो उसका डायगोनल है। और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हम कैसे निकालते हैं? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, अंडर रूट ऑफ, ये अंडर रूट पूरे पर है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी कि अगर आपको तीनों के वैल्यूज पता हैं तो आप इनके स्क्वायर करके उनका एडिशन कर देंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। एंड द लास्ट इज लेटरल सर्फेस एरिया। लेटरल सर्फेस एरिया मैंने आपको बताया कि बेस और टॉप को छोड़कर जो आसपास का पूरा कवर है, आसपास के जो चार फेसेस हैं, ये वाला, ये वाला, ये और बैक वाला, चार फेसेस हैं। यानी कि ये समझ लीजिए ये बॉक्स खुला हुआ है, ना इसके नीचे कुछ बेस है ना ऊपर कुछ है, सिर्फ ऐसा चार बाउंड्री है, कवर है। तो उन चार का एरिया जो है वो हाँ कहलाएगा लेटरल सरफेस एरिया। और उसको निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। 2 इंटू एल प्लस बी क्यों? क्योंकि ये होता है पेरीमीटर, हम यहाँ बात कर रहे हैं आसपास की चारों की बाउंड्री की, सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और इसमें हाइट का मल्टीप्लाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस इज द 3D शेप। ओके, सो लेटरल सरफेस एरिया है जस्ट क्योंकि हमने उसका बेस हटा दिया है, उसका टॉप हटा दिया है, सो आसपास का जो चारों सरफेस से कवर एरिया है दैट इज द बाउंड्री, और बाउंड्री को हम कहते हैं पेरीमीटर, एंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर इज 2 इंटू एल प्लस बी, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और उसमें हम हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज दिस इज द 3D शेप। ओके, सो दिस फोर आर द फॉर्मूलाज फॉर टू फाइंड वॉल्यूम, टोटल सर्फेस एरिया, डायगोनल एंड लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सिमिलरली क्यूब में भी होता है, तो चलिए अब देखते हैं क्यूब के लिए चारों फॉर्मूलाज क्या होते हैं। सो क्यूब भी होता है क्यूबॉइड की तरह ही, लेकिन इसमें होती है लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम, क्योंकि स्क्वायर में आप जानते हैं कि लेंथ और विड्थ जो है वो सेम होती है, तो उसी उन्हीं क्यूब स्क्वायर से मिलकर क्यूब बनता है। क्यूब भी स्क्वायर का 3D फॉर्म है। तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? आइस क्यूब है, या आप जो अपने गेम्स खेलते हैं उसमें डाइस यूज होता है। सो एग्जांपल्स ऑफ क्यूब। अब क्यूब दिखता कैसा है? क्यूब दिखता है कुछ इस तरह से। क्यूब में भी होते हैं 6 फेसेस। ओके, ये फेसेस हैं, तो क्यूब में भी होते हैं 6 फेसेस, उसमें होती है 8 वर्टिसेस सेम जैसे कि क्यूबॉइड में होती है, एंड 12 एजेस यानी कि साइड्स, 12 साइड्स। ओके, तो इन पर बेस्ड अगर ये क्यूब की लेंथ है, ये क्यूब की विड्थ है और ये क्यूब की हाइट है, तो इनसे बेस्ड हम देखते हैं इसका वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ए क्यूब क्यों? क्योंकि हमने जब
क्यूबॉइड का वॉल्यूम देखा था, तो l इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सिमिलरली क्यूब में भी होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। बट क्योंकि क्यूब में लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम होती हैं, तो आपको किसी भी एक साइड की अगर मेजरमेंट मालूम है तो आप उसका 3 times मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी कि a इंटू ए इंटू ए या फिर a क्यूब। ओके, तो आपको उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा, राइट? नेक्स्ट है सरफेस डायगोनल्स। डायगोनल्स होते हैं रूट थ्री ए। रूट थ्री ए क्यों? क्योंकि अभी हमने लास्ट उसमें डायगोनल देखा था, तो वो था अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और उनका एडिशन। तो यहां पर सारी सेम होती हैं, सारी साइड सेम होती हैं, तो हम करेंगे अंडर रूट ऑफ थ्री ए बिकॉज ऑल साइड्स आर सेम। नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि एरिया होता है ए स्क्वायर, ओके, इसको हम लिख सकते हैं 6a² एरिया होता है ए स्क्वायर, और क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना है तो हमें उसकी सारी फेसेस का एरिया निकालना है, और फेसेस कितनी है 6, तो 6a² ओके। अगर एरिया है ए स्क्वायर तो 6 फेसेस का एरिया होगा 6a², और 6 फेसेस मतलब टोटल सरफेस एरिया, ओके। अब हमसे कहा जाए अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो क्योंकि इसमें हम ऊपर और नीचे बेस का और उस टॉप का दोनों का एरिया हमको कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ आसपास का करना है, तो दो फेसेस हमने इसमें से हटा दिए, तो अब कितने बचे हमारे पास 4, तो 4 फेसेस का एरिया हो गया 4a², 6 फेसेस का था 6a² एंड लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 फेसेस का हो गया 4a². सो क्यूब और क्यूबॉइड का एरिया दोनों का सेम है। अब बस डिफरेंस ये है कि क्यूब में सारी लेंथ इक्वल होती है, तो अब फॉर्मूला उस तरह से थोड़ा सा मोल्ड हो जाता है, बट आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, आपके जनरल स्कूल्स के एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो इन क्वेश्चंस पर बेस्ड एक्सरसाइज के लिए भी हम एक वीडियो जरूर करेंगे, लेकिन आज के लिए हम इन फॉर्मूलाज को देखेंगे कि वो कैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट शेप है हमारा सिलेंडर। नेक्स्ट इज सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर में होता है टू साइड्स सर्कुलर एंड्स। आपने अपने घर में सिलेंडर देखा होगा, तो उसमें क्या होते हैं, ऊपर और नीचे ऐसे सर्कल एंड होते हैं, ओके, एंड बीच में जो उसकी बॉडी होती है, अगर उन सर्कल्स को हटा दिया जाए तो दैट इज लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ओके, दैट इज लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो ये होता है सिलेंडर जिसमें ऊपर नीचे होते हैं सर्कुलर एंड्स। ये है मेरे हमने एक सिलेंडर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इसमें ऊपर एक सर्कुलर है और नीचे एक सर्कुलर एंड्स है। ये जो सर्कल्स हैं तो डेफिनेटली इनकी कोई रेडियस भी होगी, ओके, ये दोनों की रेडियस है। अब जो रेडियस है, रेडियस सेंटर पॉइंट से होकर जा रही है, तो दोनों सेंटर पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की जो लेंथ है, ये कहलाती है एक्सिस या फिर हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। यानी कि सिलेंडर की हाइट अगर आपको निकालनी है तो आपको जो उसके सर्कुलर एंड्स हैं उनके सेंटर्स के बीच की लेंथ आपको पता होनी चाहिए, तो आप सिलेंडर की हाइट इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा कि इसके अंदर कितना गैस या फिर कितना लिक्विड या फिर जो भी सामान आप इसके अंदर रख रहे हैं वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितना इसकी कैपेसिटी है, तो वो होगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम। और वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल एंड एच इज द हाइट। तो जब आपको इनका नीचे के बेस का, यानी कि कोई भी आप सामान डालेंगे तो वो डेफिनेटली पहले बेस में ही जाएगा, तो नीचे के बेस का एरिया आपको पता होगा और उसकी हाइट पता होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी पूरी टोटल कैपेसिटी सिलेंडर की कितनी है, इसमें कितना सामान हम रख सकते हैं। सो फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रख देंगे, जो भी हमारे पास रेडियस हमको पता होगी इस रेडियस की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और उसका हम स्क्वायर कर देंगे एंड देन हाइट, ओके, तो इस तरह से हमको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कभी कभी आपको ये दो चीजें बाय चांस दी हो, आर दिया हो और वॉल्यूम दिया हो और हाइट पूछी जाए, तो भी आप इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट फॉर्मूला इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा ऊपर के पूरा एरिया, यानी कि दोनों एंड्स का एरिया, दोनों सर्कुलर पार्ट्स का एरिया, प्लस ये जो बीच का पार्ट है इसका एरिया। ओके, अब ये 2 पाई आर एच प्लस आर कैसे बना है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये 2 पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई आर स्क्वायर तो है सर्कल का एरिया, और बिकॉज टू सर्कल्स हैं तो यहां पर है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, और ये है हमारा बीच का पार्ट यानी सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया 2 पाई आर एच, और इन दोनों को मिलाकर यानी इस एरिया को मिलाकर प्लस ये और ये, इनको मिलाकर बनेगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर को मिलाकर बनेगा 2 पाई आर एच प्लस आर। ये सारे फॉर्मूलाज अपने किसी फॉर्मूला नोटबुक में आप नोट कर लीजिए, बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल। नेक्स्ट है हमारे पास कर्व्ड सरफेस या फिर लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस क्या? यानी कि हमने सर्कुलर पार्ट को हटा दिया, सर्कुलर पार्ट को हटा दिया यानी कि ये वाली जो चीज है, ये जो हमने ऊपर टोटल सरफेस एरिया निकाला था उसमें से 2 पाई आर स्क्वायर को हमने माइनस कर दिया, हटा दिया बेस को और उसके टॉप को हटा दिया। सो व्हाट वी गेट? 2 पाई आर एच, जो यहाँ पर ऑलरेडी है 2 पाई आर एच। दिस इज द कर्व्ड सरफेस या फिर लेटरल सरफेस एरिया, सिर्फ इस पार्ट का एरिया। ओके, सो दिस वॉज माई टॉपिक फॉर द क्लास 8th स्टूडेंट मेंसुरेशन। और इसमें हमने पढ़ा है सिलेंडर, क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा ये फॉर्मूला, ये कैसे बनते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की कि क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ आप रटेंगे तो आपको याद करना मुश्किल होगा, अगर आप समझेंगे कि ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे, सो इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज ईजी टू रिमेंबर। हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करेंगे बहुत जल्दी अपने आने वाले वीडियो में। और हर वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और पसंद आया हो आज का वीडियो सो प्लीज हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।